हाई एवरी वन असल एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट ऑफ एटीन सेंचुरी सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने पी की तैयारी की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है इन शो डेली बेसिस पे टू तो दी पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे अगर आप भी पी की प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ uh, इस uh, जर्नी में साथ रहिएगा सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डैनियल डैफो डल डैफो की बायोग्राफी देखे तो 1660 से 1731 है और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था मैरी टुफले uh, और ये अपने फेमस नोवेल रोबिसन क्रोसो जो कि 1719 में पब्लिश हुआ था कि वजह से फेमस है इनका फर्स्ट नोवेल भी वो कंसिडर किया जाता है ये एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे मैरी पैंफ्लेटर थे और स्पाए थे स्पाए एक इनके थे विलियम थर्ड के अच्छा इनको इनके पॉलिटिक्स जो वर्क्स थे ना उनकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ करना पड़ा था क्योंकि इन्होंने अथॉरिटीज को चैलेंज किया था Uh, इसकी वजह से जो है ना इनको एक जो टाइम पीरियड था ना वो जेल में भी गुजारना पड़ा उनके तीन सौ से ज़्यादा वर्क्स हमारे सामने आते हैं उनके मोस्टली जो टॉपिक्स है वो जियोग्राफी से डील करते हैं लाइक उनका जो रुबिन सिंह क्रूस है उसमें भी टोटली एडवेंचरस स्टोरी है वो किस तरह जो है ना वो डिस्कवर करता है आईलैंड वगैरह को और उसमें अपनी जो लाइफ है वो गुजारता है इसके बाद है जी ये इस इसके टॉपिक्स पॉलिटिक्स से क्राइम पॉलिटिक से रिलीजन से और मैरिज़ वगैरह से जो है ना वो डील करते हैं ओके इन्होंने जो है ना अपने नाम के साथ एक फेक एरिस्टोक्रेटिक साउंड है ना डी क्योंकि इनका जो ओरिजिनल नेम था ना वो डेनियल फो था और इन्होंने अपने नाम के साथ डैनियल डेफो जो है ना मतलब डी ऐड किया क्योंकि वो क्लेम करते थे कि वो डिसेंडेंट हैं डी ब्यू फॉक्स के सो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसी बन सकता है इसके अलावा इनके नोटेबल इवेंट्स देखें तो ग्रेट प्लेग ऑफ लंडन 1665 में उसके अलावा ग्रेट फायर ऑफ़ लंडन जो कि 1666 में था Um, हुआ उसके बाद क्वीन मैरी एंड हर हस्बैंड विलियम थर्ड जॉइंटली इन 1689 इसके अलावा जो मेजर इवेंट इनकी लाइफ में हुआ वो ये था कि नाइन ईयर वॉर एंड हुई थी बाय द ट्रीटी ऑफ रेसिक नाइन uh, सेवन जी इम्पोर्टेंट एम है पीपीएससी uh, के हवाले से इसको भी नोट no, डाउन no कर लीजिए uh, इसके अलावा जो डैनियल डेफो थे वो रियल क्रिएटर ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल फ़िक्शन एज अ वर्क ऑफ आर्ट उन्होंने जो है ना वो ऑटोबायोग्राफिकल फ़िक्शन जो है ना uh, वो इंट्रोड्यूस करवाई इसके अलावा जो थे ये फर्स्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट इन द करेक्टर ऑफ द नरेटर साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट जो है ना करैक्टर में वो इंट्रोड्यूस करवाया उसके अलावा जो है ना यही फर्स्ट थे जिन्होंने जो है ना रियलिज्म का एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस करवाया लाइक अगर हम लोग रोबिंद क्रूसो जो पढ़े तो उसमें जो क्रूसो है उसको बाद में पता चलता है कि वो एक आई पे है इससे पहले रीडर्स को पता चल जाता है तो इस तरह जो है ना इसने एक रीडर और स्टोरी के दरमियान जो है ना एक जो है इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है ना वो कायम किया इसके इसकी बुनियाद पर इसको जो है ना ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न नावल भी कहते हैं इसके अलावा जो है इन्हो इनकी एक पोइम थी द ट्रू बर्न इंग्लिश मैन तो ये जो ट्रू बर्न इंग्लिश मैन है ये सेवनटीन जीरो वन में पब्लिश हुई और ये जो पोइम थी ना ये पोएम इन्होंने विलियम थर्ड के लिए लिखी उस वक्त क्योंकि ग्लोरियस जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से काफ़ी सारे नो नेटिव जो थे वो इंग्लैंड में आके सेटल हो रहे थे तो विलियम थर्ड भी इनमें से एक ही थे आ, सो इनके बारे में काफ़ी जीनोफोबियाज बने हुए थे तो इन इसको डिफेंड करने के लिए जो है ना डैनियल डेफो ने ये पोएम लिखी थी और ये इनके स्पायर भी थे आ, और ये बेस्ट आ, सेलर आ, पोएम थी इन इंग्लैंड हैं, जब विलियम थर्ड की डेथ होती है सेवनटीन जीरो टू में तो उसके बाद इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट सा जो है ना वो इनकी जो लाइफ ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है क्वीन एनी जो है वो रिप्लेस करती हैं विलियम थर्ड को क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी जो नॉन कन्फर्मिस्ट थे ना तो उनके बड़ा अगेंस्ट थी अब डेफो जो था उसने क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा था नॉन कन्फर्मिस्ट को तो इसने जो है ना इसको मतलब मेन टारगेट अपना रखा और इसको जो है ना फिर थर्टी फर्स्ट जुलाई सेवनटीन जीरो थ्री में अरेस्ट कर लिया गया अरेस्ट किया गया और इसके अलावा जो है ना फिर इन्होंने अपना एक जो पैम्फलेट था ना वो आ, लिखा और उसको जो है ना पब्लिश करवाया अच्छा पब्लिश कर जो है ना इन्होंने अपने नाम से नहीं करवाया था इन्हें इन्होंने इसलिए जो है ना पब्लिश करवाया था लेकिन आ, अस जल्दी ही जो है ना ये पकड़े गए थे सो so, वो उसका नाम क्या था द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स आर प्रपोजल फॉर इस्टेबलिशमेंट ऑफ चर्च ठीक है इसमें इसने अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया था चर्च को चैलेंज किया था इस वजह से फिर इनको बहुत जल्दी पकड़ भी लिया गया था और फिर इनको एक पिलरी में रखा गया था पिलरी के सामने पिलरी लाइक इनको जो है ना वो जैसे क्रॉस टाइप होता है ना इस तरह करके और फिर सामने से चीज़ें जो है ना वो लोग फेंकते थे इसके ऊपर सो so, इसने उस चीज़ को नेगेटिव लेने की बजाय इसने उसको पॉजिटिव लिया और अपनी एक पोइम लिख डाली दी हाइम्स टू पिलरी जिससे जो है ना लोग बड़ा इंप्रेस हुए इसके अलावा फिर जो है ना द ग्रेट स्टॉर्म ऑफ सेवनटीन जीरो थ्री भी आया इसी की लाइफ में जिससे काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई एट थाउजेंड पीपल थे उनकी डेथ हो गई थी और काफ़ी जो ट्रीज वगैरह थे लाइक बहुत नुकसान हुआ था उस स्ट्रॉम के बाद तो इस के लिए इसने एक पोएम लिख दी द स्ट्रॉम इन सेवनटीन जीरो फोर और इसको जो है ना द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न जर्नलिस्ट भी कहते हैं इसके अलावा इनका एक और जर्नल है जर्नल ऑफ प्लेग ईयर सेवनटीन ट्वेंटी टू में जो कि पब्लिश हुआ इसके बाद जी, इसका फेमस और फर्स्ट वर्क जो है रुबिनसिन क्रोसो बाय डैनियल डेफो वो पढ़ते हैं ये फर्स्ट ऐसी ये ऐसा नावल था जिसके ऊपर जो है ना फर्स्ट फिल्म भी बनी थी कास्ट अवे और इसको जो प्रोडक्शन थी वो की थी रॉबर्ट मिलन एंड ग्ञान फायर ने इसके अलावा जो है ये एक, एक जर्नी की स्टोरी है जिसमें जो है ना वो एक सी मैन की स्टोरी दिखाई गई किस तरह जो है ना वो अपने लाइफ का मोस्टली जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो एक सी पे गुजारता है और ये जो स्टोरी है इसके ऊपर वो जो क्रूसो है वो तकरीबन ट्वेंटी एट ईयरस जो है ना उस आइलैंड के ऊपर गुजारता है इसके अलावा अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो ट्वेंटी एट ईयर्स टू मंथ्स एंड नाइन्टीन डेज जो है ये उस लैंड के ऊपर उस सारी आई के ऊपर गुजारता है इसका जो नरेटर है वो एपिसोडिक नरेटर है क्योंकि हम लोग पी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए हम लोग टू दी पॉइंट जो मेन मेन चीज़ें पूछी जा सकती हैं उनको देख रहे हैं सो so, इसके अलावा ये जो नावल है इसको कंसिडर किया जाता है सेकेंड टू बाइबल कि इसको बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाला नावल कंसिडर किया गया है क्योंकि ये फर्स्ट नावल था इस वजह से इसको बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंस हासिल है इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है वो रियलिटी बेस्ड है मतलब रियलिज्म है और ये स्टोरी किसके ऊपर बेस्ट करती है एलेक्ज़ेंडर सेल्क्र के ऊपर जिन्होंने जो चार साल है वो जवान आइलैंड के ऊपर गुजारे थे सो so, ये भी हम क्यूज पूछा जा सकता है इसके अलावा जो इसी बुक का जो लैटिन एडिशन है ना वो है फिलोसफस ऑडिटेक्टस uh, जो है ना जो कि बुक थी इब्न तुफैल की और इससे जो है ना इसको कंसिडर किया जाता है कि जो डैनल डेफो है उन्होंने इंस्पायर होकर इससे लिखी है ओके okay, इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो एलिजाबेथ बिज शॉप हैं जो कि एक अमेरिकन पोइटिस थी उन्होंने जो है ना अपनी एक पोइम लिखी क्रूसो इन इंग्लैंड ओके अब इसने जो है ना इस पोएम में अपना खुद इमेजिन करके ना उसको सारा उसकी लाइफ स्टोरी जो है वो बयान की है इसके अलावा अगर इसकी प्लॉट समरी पढ़ें तो जो क्रूसो है उसका रिलीजन देखें तो क्रिश्चियनिटी है और नरेटर जो है वो क्रूसो है ओके इसमें जो है ना क्रूसो का दिखाया गया है कि किस तरह जो है ना वो उसकी फैमिली उसको कहती है कि तुम जो हो ना कि तुम आ, मतलब इधर ही रहो और अच्छे से लाइफ स्पेंड करो क्योंकि इससे पहले जो इसके ब्रदर्स हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था अपने जर्नी की वजह से लेकिन ये जो है अपनी फैमिली को इग्नोर करता है और जितनी भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं उनसे भाग जाता है एक सी ओ एच की तरफ और इसमें जो है ना सबसे पहले लंडन से ये अपना जर्नी स्टार्ट करता है लंडन से जो है ना वो सीनीओ जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पे सीनीओ में जाता है और वहाँ पे जो है ना वो कहता है कि दिस मेड मी बोथ सेलर एंड अ मर्चेंट क्योंकि जो है ना वहाँ पे जब ये जर्नी कर रहा होता है तो वहाँ पे ये मरने के करीब होता है लेकिन ये बच जाता है इस वजह से जो, जो है ना ये ये लाइन बोलता है इसके बाद ये फिर अफ्रीका के लिए चला जाता है आ, अफ्रीका में जब जाता है तो ये जो है ना ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करता है तो इसको बड़ा प्रॉफिट होता है तो ये वापस आ जाता है लेकिन दोबारा से फिर अफ्रीका जाता है वहाँ से जो है ना ये ब्राज़ील जाता है लेकिन वहाँ पे जो है ना कुछ पेरेंट्स होते हैं जो, जो कि इसको जो है ना वो अपने साथ ले जाते हैं और फिर इसको जो है ना एज आ सर्वेंट वहाँ पे काम करना पड़ता है इसके साथ एक और लड़की भी होती है जिसका नाम होता है जूरी एक्स यू आर वाई ये इसकी फ्रेंड होती है और इसके बाद फिर ये किसी तरीके से वहाँ से बच जाता है और फिर ये ब्राज़ील की तरफ चला जाता है ब्राजील में जाके जो है ना ये प्लांटेशन करता है और फिर अपना जो बिज़नेस है ना उसको एक्सपेंड करता है इसके बाद जो है ना ये चला जाता है जनोवा में वहाँ पर जो है ना वो स्ट्राम आता है बहुत शदीद किस्म का और इसके बाद सिर्फ यही होता है कि जो ना उस स्ट्राम से बच जाता है कैरीबान में ये होता है और वहाँ पे स्ट्राम आता है और सिर्फ यही वन सेवियर होता है उस आइलैंड पे जो है ना ये तकरीबन बस एक साल के लिए रहता है लेकिन उसके बाद फिर ये दोबारा जो है ना उस आइलैंड पे जाता है वहाँ पे जो है ना इसने बड़ा कुछ रिलीजियस क्योंकि तो इसको ड्रीम आता है शायद कि ये मरने वाला है और इसको बहुत सारी सफरिंग्स करनी पड़ेंगी तो फिर ये जो है ना इस क्योंकि तो अपने साथ उस आइलैंड पर जो है ना ये बाइबल की बुक भी लेके आया हुआ होता है तो ये बाइबल को रीड करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद जो है ना इसने क्रॉस साइन लगाया होता है सामने उसके ऊपर अपने ना दिन काउंट्स करता होता है कुछ अपने डेली के जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहा होता है ना उनको लिखना स्टार्ट कर देता है इसके बाद जो है ना इंकाउंटर्स करते हैं कैनीबाज जिसका मतलब वो सेविज होते हैं और अपने साथ वो ना एक मतलब कुछ लोग डेली बेसिस पे लेके आते होते हैं और उनको जो है ना वो मार के मार देते होते हैं तो ये जो है ना एक शख्स को बचाता है जिसका नाम होता है फ्राइडे क्योंकि ये फ्राइडे को उसको बचाता है इसलिए उसका नाम फ्राइडे रख देता है ये ए, उसको फिर ये भी सिखाता है कि तुम ना मुझे मास्टर बोलो फिर वहीं से जो है ना ये आगे दोबारा इसकी जो है ना जर्नी थ्रू आउट चलती रहती है इसके बाद ये इंग्लैंड के लिए निकलता है और फ्राइडे भी इसके साथ होता है फिर वहाँ से ब्राज़ील जाता है ब्राज़ील से फिर दोबारा से आइलैंड में वापस आ जाता है लेकिन वहाँ पे जब देखता है कि वहाँ पे जो है ना कॉलोनीज बन चुकी होती हैं और जो स्पेनिश हैं मतलब उन्होंने इसका कंट्रोल ले लिया होता है ओवरऑल हमने एक शॉर्ट समरी पढ़ी है ओके okay, अब इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट एम इस अगर ओवरऑल देखा जाए तो रुबिन सिंह क्रोसो से सबसे पहले तो जो हम लोगों ने मूवी के इसके ऊपर कास्ट अवे मूवी ये जो है वो बनी है और उसकी जो प्रोडक्शन थी वो की थी रॉबर्ट मिलन एंड गियान पायर ने उसके बाद जो है क्रूसो का मीनिंग क्या है असोलिट्री कास्ट अवे मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो अपनी एफर्ट से खुद बचता है और इसकी जो आइडियालॉजी थी वो इस वॉवल की वो थी कोलोनाइजर्स और इसमें जो है ना टोटल वो आठ जो है ना वो वेज वो करता है और वो जो आइलैंड होता है उसका नाम होता है आइलैंड ऑफ ट्रिंडल और ये अपनी लाइफ के ट्वेंटी गुजारता है या फिर ट्वेंटी इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो है, इसका फुल ने फादर ऑफ एडवेंचरस इन सेवनटीन नाइनटीन ये इसका फुल नेम था इसके अलावा जो था इस बुक का जो इफेक्ट था और भी काफी बुक्स के ऊपर हुआ था लाइक जो है वो कार्ल मार्क्स डेस कैपिटल फिल्म हिज गर्ल फ्राइडे और उसके अलावा जो है रुबिनसन क्रूसो ऑन मार्स स्विज फैमिली uh, रुबिनसन इसके बाद जो सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट वर्क था वो था कैप्टन सिगिल्टन जो कि सेवनटीन टवेंटी में पब्लिश हुआ और इसका जो जोनरा जो 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 था वो एडवेंचर रोमांस है इसका जो फर्स्ट हाफ है वो uh, अफ्रीका की स्टोरी के बारे में है और दूसरा जो है ना वो फैसिनेशन विद पायरेसी इसके रिलेटेड है अच्छा आज जो नावल है इसमें एक सेंसिटिव डिपिक्शन दी गई है क्लोज रिलेशनशिप के दरमियान मतलब कि हीरो और उसका जो रिलीजन है ना उसके दरमियान जो है ना क्लोज डिपिक्शन दी गई है और जो रिलीजस उसका मैंटोर होता है हीरो का उसका नाम होता है क्वेकर विलियम वाटर्स ये इम्पोर्टेंट एम सी है और इसमें जो है ना इसने टोटली अपने इस नावल में रियलिस्टिक पिक्चर दिखाई है अफ्रीका की और इसका जो फुल टाइटल होता है दी लाइफ एडवेंचर्स लाइफ एडवेंचर्स एंड पेसिस ऑफ फेमस कैप्टन सिंगल्टन और जो है रीपब्लिश मल्टी मतलब इसको बहुत बार जो है ना इसने पब्लिश करवाया है और ये जो था ना ये इंस्पायर हुआ था मतलब इंस्पायर्ड बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ एन इंग्लिश पायरेट हेनरी एवरी हेनरी एवरी एक जो पायरेट था उससे इंस्पायर होकर इसने अपना ये वर्क लिखा था इसके अलावा ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ करैक्टर्स हैं उनको नोट डाउन कर लें कैप्टन बॉब सिंगल्टन है विलियम वाल्टर्स हैं क्वेकर है कैप्टन जॉन विलमोट है कैप्टन फ्रैंक एवी है इसके अलावा जो है डेक्स जो इसका वर्क था थर्ड वो था मेमर्स ऑफ कैविलियर जो कि सेवनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी में पब्लिश हुआ और ये जो है ना ये कब uh, पब्लिश हुआ ये इसकी जो सेटिंग है वो दिखाई गई है ड्यूरिंग थर्टी इयर्स वॉर एंड इंग्लिश सिविल वॉर ये जब इंग्लिश सिविल वॉर हो रही थी तो उस वक्त का जो टाइम पीरियड है वो दिखाया गया है उसका जो फुल टाइटल है वो भी देख लें इम्पोर्टेंट है पेपर में आ सकता है इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक नेमलेस यंग पर्सन है जो कि फाइट करता है फॉर प्रिंस रूबर्ट तो इसमें भी कोई इसकी इतनी इम्पोर्टेंट स्टोरी नहीं है जो डैनियल डेफो का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो रविंद्र क्रूसो है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है इसके अलावा कलोनल जैक है जो कि एक पिकार्क्स नॉवल है 1722 में इसको पब्लिश किया गया और इसमें जो है ना इसने टोटली क्राइम जो है ना क्राइम फिक्शन वो दिखाई गई है एक मतलब एक औरफन बच्चा है उसकी स्टोरी है कि किस तरह जो है ना वो पवर्टी पर, से जो है ना क्राइम की तरफ चला जाता है और फिर जो है ना क्राइम से प्रोस्पेरिटी की तरफ चला जाता है और इसके अलावा जो है ना कलोनीलिज़म का इम्पेक्ट दिखाया गया है और रिलीजियस कन्वर्जन दिखाई गई है इसका अगर फुल टाइटल देखें तो द हिस्ट्री एंड रिमार्केबल लाइफ ऑफ ट्रूली ऑनरेबल कॉल चैक इसके अलावा जो है इसके बारे में है कि इसको जैक जो होता है ना इसमें मेन करेक्टर है जिसको जो है ना दो नर्सिस इसकी परवरिश करती हैं और फिर उसको बाद इसको बेच दिया जाता है ये वहाँ से जो है ना फिर फ्रांस चला जाता है और फिर वहाँ पे शादी कर लेता है टोटल इसकी तीन शादियाँ होती हैं और जो शादियाँ इसकी होती हैं ना उसके बाद इसको वो डाइवोर्स भी अपनी बीवियों को दे देता है इसके बाद ये स्पेन में जाता है स्पेन से फिर ट्रेडिंग वगैरह करता है और फिर उसके बाद इसको ना बड़ा एहसास होता है कि ना इसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं तो इसको रिपेंटें मतलब कि अपनी गुनाहों की बख्शिश करवा लेनी चाहिए तो ये फिर दोबारा से जो है ना वो वापस आ जाता है अपनी जो वर्जीनिया होती है ना उसकी वाइफ उसके पास सो इसमें भी इतना कोई खास बस इसमें यह है कि आप लोग इम्पोर्टेंट इसकी डेट्स इसका योनरा क्या है और इसका फुल टाइटल इसको अपने माइंड में रखें इसके बाद है जी मोल फलोंडर्स मोल फ्लॉन्डर्स जो कि 1722 में पब्लिश हुआ और इसमें जो है ना जेंडर रोल दिखाया गया है कि एटीन सेंचुरी में जो है ना वो जेंडर रोल की क्या इम्पोर्टेंस थी इसके अलावा जो था इसमें ये इसका अगर नावल देखा तो ये एक पिकार्स नावल था इसमें जो है ना लाइफ एंड लाइफ ऑफ ट्रायल्स एंडिंग इन रिवॉर्ड की किस तरह जब हम लोग ट्रायल्स में हमारी ज़िंदगी गुजरती है सफरिंग्स में गुजरती है तो एंड पे हमें रिवॉर्ड दिया जाता है सो so, इसके अलावा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बस इसके जो है ना नाइन सेक्शन हैं ये याद रखने हैं आपने और इसके अलावा ये तीन साल जो है जिप्सीज के साथ गुजारता है नेक्स्ट हमारा जो है वो है रोजेना रोजेना जो है दून मिस्ट्रेस इसका सब टाइटल है सेवनटीन फोर में ये पब्लिश होता है और इसमें जो रोज़ैना है वही नरेटर होती है रोजेना जो है वो रेल नेम उसका जो रेल नेम होता है ना वो सुजैन होता है और उसकी जो बेटी होती है उसका नाम भी सुजैन होता है इसके अलावा जो है ना ये इसकी एक नाइस्टीरियस सी एंडिंग है इसमें जो है ना वो जो एमी इसकी सर्वेंट होती है ना वो रुकजैना की बेटी सुजैन को किल कर देती है इसकी इतनी बस ये जो बाकी डैनियल डेफो के वर्क्स हैं उनको डिटेल में नहीं करना बस उनको जो है ओवरव्यू कर लेना है कि इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं फिर डैनियल डेफो की डेथ के बारे में देखें तो ये जो है ना वो लिथार्जी स्ट्रोक की वजह से जो है ना वो इनकी डेथ होती है और इसके अलावा जो है ना एक स्ट्रीट इनके नाम पे भी बनाई जाती है डेफो प्लेस उनकी ऑनर में हेनरी uh, फील्डिंग है जी हेनरी फील्डिंग पानेर ऑफ इंग्लिश नावल जिनको के फादर ऑफ इंग्लिश नावल भी कहते हैं सर वॉल्टर स्कॉट ने इनको ये टाइटल दिया है इसके अलावा जो है ये अपने ह्यूमर और स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं हिस्ट्री ऑफ टॉम जेंस इनका एक कॉमिक नावल है जिसको एटीन सेंचुरी का ग्रेटेस्ट नावल भी कंसीडर किया जाता है और ये वन ऑफ द फोर्थ पिलर ऑफ इंग्लिश नावल कंसिडर किए जाते हैं फोर uh, पिलर जो है हमारे पास सैमुअल रिचर्डसन हैंनरी फील्डिंग टॉबस स्मॉलेट और लॉरेंस टर्न है इसके अलावा ये जो है ना इनको एक आयरनिक मास्क जो है ना वो लगाना बड़ा पसंद था लाइक ये जो है ना फेक आइडेंटिटीज़ को लाइक करते थे इसके अलावा इनके जो दो फेमस वर्कस uh, मतलब के आए थे पैमिला uh, के रिस्पॉन्स में और पैमिला जो है वो सैम्पल uh, रिचर्डन uh, ने लिखा था उसके रिस्पांस में उन्होंने शैमिला सेवनटीन फोर्टी वन और जोसेफ एंड्रू सेवनटीन फोर्टी टू लिखा पैमिला में एक फीमेल का करैक्टर दिखाया दिखाया गया था कि किस तरह का नोबल करैक्टर है और इसमें जोसेफ एंड्रूज में एक मेल के करैक्टर के ऊपर सारा नावल लिखा गया है इसके बाद जो है हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स जो इसका है वो एक पिकाक नावल है इसके अलावा जो है इनकी सिस्टर सारा फील्डिंग उन्होंने भी इंग्लिश नावल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक एक है एक सक्सेसफुल राइटर हैं वो और उनकी सेवनटीन थर्टी फोर में डेथ हो जाती है और उनका जो फेमस वर्क था दी गवर्निस आर द लिटल फीमेल एकेडमी जो कि सेवनटीन फोटी नाइन में पब्लिश हुआ उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था शार्लेट जो जब जिनकी डेथ हो गई और उसके बाद जो है ना इन्होंने अपने नावल्स में हीरोइंस के जो नेम है ना उसी की बुनियाद पर इंट्रोड्यूस करवाया लाइक टॉम जेम्स और अमीला जो है ना उसी के करेक्टर को मोल्ड करते हैं जो कि उसकी वाइफ का है इसके अलावा ये प्ले राइट के तौर पे इन्होंने एक्ट किया और इसके अलावा थिएटर को भी ज्वाइन किया मैनेजर मैनेजर थे थिएटर थे के 1836 में लेकिन इन्होंने क्विट कर दिया था ड्यू टू तो थिएटर एक्ट 1737 थर्टी थिएटर एक्ट के थ्रू इन्होंने वहाँ से क्विट किया उसके बाद इन्होंने तीन साल के जो है वो लॉ उसको सीखा और बार बार इनको जो है ना वो बार में बुलाया भी जाता था और इसकी जो हेल्प है ना उस दौरान राल्फ एलन ने की थी राल्फ एलन जो है ना एक रियल करेक्टर था और इस करेक्टर को जो है ना मतलब ए, इसकी पर्सनैलिटी को दिखाया गया है थ्रो द करेक्टर ऑफ स्क्वायर हेलवर्थी जो कि टॉम जेंस में कैरेक्टर है उसके थ्रू के ए, ये एक रियल करेक्टर है और ये किसकी बेस पे है राफ एलन की बेस पे इसके अलावा इस, इसके जर्नल्स भी हैं दी क्राफ्ट्समैन जो के क्रिटिसाइज़ उसने किया था पीएम रॉबर्ट वाल्स को उसके बाद सेवनटीन थर्टी फोर से फोर्टी में जो है ना इसने एक एडिटेड वरियन जो है ना दी चैंपियन लिखा uh, जो कि सपोर्टेड बाय विग पार्टी इसके अलावा इसके और भी काफ़ी मतलब वर्क्स हैं इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और इसमें जो रेप अपान रेप है इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ वगैरह भी बनी हैं इसके अलावा जो फेमस इसके वर्क द हिस्ट्री ऑफ़ एडवेंचर्स ऑफ जोजफ़ एंड्री एंड हज़ फ्रेंड अब्राहम सेवनटीन फोटी टू में इसके अलावा जो कलेरिस है वो सेवनटीन फोटी एट में और जो टॉम जेन्स हैं या फिर हिस्ट्री ऑफ फाउंडलिंग सेवनटीन फोटी नाइन में लिखा गया तो ये इसके कुछ फेमस वर्क हैं इसकी स्टोरीज़ इन शो डिसकस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके अलावा जो है इनकी इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल नावल या फिर जो है ना वो बिल्ड गंस रोमन भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं अब ये जो है ना ये नावल कौन से नावल होते हैं जो कि स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं लाइक इसमें डेवलपमेंट ऑफ माइंड हो रही होती है हीरो की स्पिरिचुअल जर्नी दिखाया गया है स्पिरिचुअल एजुकेशन दिखाई गई होती है इसके अलावा एमिला इसका फेमस वर्क है सेवनटीन फिफ्टी वन में और जो कि इसने डेडिकेट किया था अपनी वाइफ को उसके बाद जो है ना जोन वाइल्ड है जोन वाइल्ड, वाइल्ड द ग्रेट से फोर्टी थ्री में इसका एक फेमस वर्क है ओके uh, नेक्स्ट okay, है सैमुअल रिचर्डसन जो कि फादर ऑफ एपिस्टोली नावल कंसिडर किए जाते हैं और ये फोर फील्ड ऑफ इंग्लिश नावल में से हैं ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे इनके बारे में फेमस है कि इन्होंने फिफ्टी इयर्स ओल्ड थे ना तब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया इसके अलावा इनका प्रोफेशन जो था वो प्रिंटर था बुक सेलर और पब्लिशर ये पैटॉर्न थे लाइक ये प्रिंटर ऑफ किंग्स थे इस वजह से जो है ना इनको मास्टर प्रिंटर भी कहा जाता है इनके बारे में ये भी फेमस है कि ये जो है ना लव लेटर्स लिखा करते थे जी तीन जो है ना वो इलिटरेट वमेंस को जब ये थर्टीन इयर्स ओल्ड थे और इसमें जो है ना वो प्रोमिसक्यूटी का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि मतलब जिसमें जो है ना नंबर मतलब कोई एड नहीं होता रिलेशन का जितने चाहे उस वक्त की सोसाइटी में जो है ना परमिशन थी जितने चाहे वो लोग रिलेशन uh, जो है ना वो बिल्ड कर सकते हैं इसमें uh, जो है ना वो ब्लू स्टॉकिंग सर्कल पीपल के बारे में भी दिखाया गया है और ये जो प्रोमिसक्यूटी का लफ्स है ना ये एसोसिएट करता है चार्लस टू के साथ इसका जो फर्स्ट वर्क था वो था द पेरेंटसिस वेड मैकम या फिर इसका सबटाइटल जो था ना वो बाद में यंग मैन पॉकेट कंपेनियन जो कि 1733 में पब्लिश हुआ था इसके बाद इनका सेकंड वर्क जो था अ पॉलिटिकल पैम्फलेट कॉल्ड सीजनल एग्जामिनेशन इसके अलावा जो है ना इस, इसने सपोर्ट किया था पार्लियामेंट बिल को जो के मतलब रूल्स ऑफ थिएटरस जो बने बने थे ना उसको ये जो है ना वो सपोर्ट करता है इसके बाद पैमिला जो है इसका फॉरमोस्ट वर्क है और जिसको हम लोग वर्चुअल डिवाइडेड भी कहते हैं जो कि सेवनटीन फोर्टी में पब्लिश हुआ इसके अलावा इसी के रिस्पॉन्स में जो है वो फील्डिंग ने शमिला लिखा जो कि था या फिर एनापोलॉजी ऑफ आर लाइफ ऑफ शमिला एंड्री सेवनटीन फोर्टी वन में इसके अलावा जो है जो रिचर्डसन हैं उन्होंने फिर अगेन जो है ना वो पार्ट टू लिखा था इसी का पेमीला का पेमीला इन हर इन एग्जल्टेट एक्षल, कंडीशन और क्योंकि इस पे जो है ना जॉन कैली जो है ना उन्होंने भी एक पेमीला के बारे में जो है ना वो उसके रिस्पांस में एक वर्क लिखा था तो उसको काफ़ी जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया गया था इस वजह से इन्होंने जो है ना वो पेमीला इन हर एग्जल्टड कंडीशन जो है वो नावल लिखा इसके अलावा फिर क्लैरिसा या फिर हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी जिसमें एक यंग लेडी की स्टोरी बताई गई है इसमें जो है ना इसके कुछ जगह पे मेंशन है कि सेवन एडिशन हैं और कुछ जगह पे नाइन है कि इसके नाइन वॉल्यूम्स आए हैं हमारे पास या फिर सेवन हैं ओके okay, अभी जो है वैसे इस वक्त जो है ना वो मोस्टली नाइन ही पब्लिश मतलब हमारे सामने आते हैं लेकिन जब ये पब्लिश हुआ था ना पब्लिशिंग के टाइम पे जो है ना उस वक्त इसके सेवन एडिशंस थे उसके बाद जो इसमें लवलेस का करैक्टर दिखाया गया है कि जो लवलेस है वो क्लैरिसा जो है ना उसको मतलब के एबडक्ट अब, करता है उसको उसका रेप भी कर लेता है बाद में जिसकी वजह से जो ट्रामा की वजह से उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद जी हिस्ट्री ऑफ चार्लिस ग्रैंडसन जो कि 1753 में पब्लिश हुआ इसमें भी वो हाई रैंक सोसाइटी या सो, सोशल पर्सन के बारे में दिखाया गया है और इसमें भी जो है ना एक आर्फन जो बच्ची है ना उसकी स्टोरी है इसके बाद जी टॉबिस मॉलिट ये स्कॉटिश नावलिस थे सर्जन भी थे और क्रिटिक एज़ वेल एज प्ले राइट और इन्होंने जो है ना इन्फ्लुएंस किया था चार्लिस डिकन्स को लाइक चार्लिस डिकन्स ने इनसे इन्फ्लुएंस इन्फ्लेंस होकर जो है ना वो आ, लिखना स्टार्ट किया था इनकी जो स्पाउस थी उनका नाम था नैन्सी इनका जो फर्स्ट वर्क था अ बैटल ऑफ क्लोडन जिसके जो बाद में फिर नेम था दी टर्स ऑफ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड उसके बाद इसकी जो पोइट्री थी उसमें जो अगर ये पूछ भी लिया जाता है एमसीक्यूज़ में कि ये किससे रेफरेंस लिया गया है तो डेलिकेट स्वीट एंड एंड म्यूज ऑफ स्ट्रीम्स तो ये जिस टॉबिस मोलट की पोइम्स में से है इसके अलावा जो इसने ट्रांसलेट किया था डॉन क्विस्टो को जो कि फ़र्स्ट नावल कंसिडर किया जाता है इंग्लिश का इसके अलावा जो मेजर वर्क्स हैं तो इसके और भी काफ़ी मेजर वर्क्स हैं क्योंकि ये पिक आर्स नावल में मोस्टली उन्होंने लिखा है एडवेंचर स्टोरीज लिखी हैं द एडवेंचर ऑफ रोडरिक द एडवेंचर्स ऑफ एप्रीग्रीन पिकल और उसके बाद द एक्सपेक्टेशन ऑफ हम फ्री क्लिंकड तो ये इनके कुछ फेमस वर्कस हैं उसके बाद हैं जी ओलीवर गोल्ड स्मिथ ये एंग्लो आयरिश नावलिस्ट है और ये जो है ना वो एक कनेडियन ऑथर था उसका नाम भी जो है ना वो बिल्कुल इसी के जैसा था तो इसलिए जो है ना अगर पूछा जा सकता है कि कौन से कनेडियन ऑथर का नाम किस बेस पे है तो ये जी ओलिवर गोल्ड स्मिथ है इसके अलावा इनके वर्क देखिए सिटीज़न ऑफ वर्ल्ड सेवनटीन सिक्सटी में पब्लिश हुआ था इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और इसके अलावा जो है ना आयरोनिकल नावल मोस्टली इन्होंने लिखे हैं Uh, इनके अलावा जो है ना दी हरमिट्स फाइव में जो है ना इनका वर्क पब्लिश हुआ और ये जो है ना रोमांटिक बैलड्स की वन सिक्सटी लाइन में से लिया गया है इसमें जो हीरो है उसका नाम एडविन होता है और हीरोइन का नाम एगलिना होता है और ये जो है ना गोल्ड स्मिथ की पोइम्स में भी पोइम इंक्लूड की गई है दार ऑफ वेक फील्ड्स ओके जी इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो होती है एंड इन कल एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं अल्लाह हाफिज़